नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला को एक निजी बस ने मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल। पेपो इंटरनेशनल प्री स्कूल जालंधर में जमकर मनाया गया दादा दादी दिवस। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और डायरेक्टर वाणी विज बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और अब हलचल विस्तार से। जीरा बस स्टैंड पर एक दुखद हादसा घटित हो गया, जहां एक 73 वर्षीय महिला को एक निजी बस ने टक्कर मार दी, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि बस स्टैंड पर एक निजी कंपनी की बस आई तो अचानक एक बुजुर्ग महिला की बस से टक्कर हो गई और बस के टायर के नीचे महिला आ गई। इस हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे सिविल अस्पताल जीरा में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं सिविल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर मनिंदर सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल जीरा में गंभीर रूप से घायल हालत में पहुंची 73 वर्षीय महिला को प्राथमिक उपचार के बाद फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मैं गुरदीप सिंह, प्रधान बस यूनियन जीरा। मैं अपनी बसा चल दी जी जीरे ते बस स्टैंड दे विच हादसा ये होया कि बस आ रही सी अपनी सिद्धू कंपनी की बस स्टैंड ते माता ने चढ़ना सी किसी आधार कार्ड वाली बस से ते उन्हें जो आधार कार्ड वाली बस देखी तो भज के उधर नूं दौड़ी ते वो जानकी इधरों साडी बस आ रही, इन्हां दी बस आ रही सी सिद्धू ते उहदे थले आ गई है जी माता। थले आने करके उहदियां लत्तां नूं मतलब पी दे विच जिवें कह लो कि लत्तां टुट गईआं उहदियां ते घबराहट दे विच आ गई माता। उन्हें इधर साडी बस वेखी नहीं, चढ़ना सी उन्हें आधार कार्ड वाली बस से ते फटाफट इधर नूं घुम्मी जदों ते थले आ गई है। बाकी एम्बूलेंस बहुत लेट आई है। ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट लैके आए थे 108 नंबर वाले, जिसके बारे पता चलिया कि बस स्टैंड के कोल एक्सीडेंट होया, शायद बस के टायर के थले आए हैगे माता जी। डी ग्लविंग इंजरी है दोनों लोअर लिम्स से। पेशेंट को असी इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिता है, हुण असी उन्हें फरीदकोट रेफर कर रहे हैं। सर किन्नी उम्र दे पेशेंट? 73 ईयर, आधार कार्ड तो पता। पेपो इंटरनेशनल प्री स्कूल जालंधर ने अपने नन्हे विद्यार्थियों के दादा दादी और नाना नानी को आमंत्रित कर एक बहुत ही प्यारा कार्यक्रम आयोजित किया। प्रिंसिपल रीना कातियाल के नेतृत्व में मुख्य शिक्षकों ने हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ सभी दादा दादी का स्वागत किया और उसके बाद बच्चों ने कविताएं गाकर अपने बड़ों का मनोरंजन किया। लड़कों ने पैर छूकर और लड़कियों ने हाथ जोड़कर अपने दादा दादी और नाना नानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और उनकी धर्मपत्नी एवं दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज, जो कि अपने पोते की हौसला अफजाई के लिए विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे और फंक्शन का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान कई बुजुर्ग बहुत भावुक हो उठे। सभी दादा दादियों ने अपने पोते पोतियों के साथ फोटो बूथ पर तस्वीरें खींची और बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए उपहार दादा दादियों को सौंपे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। ग्रैंड पेरेंट्स डे पेपो इंटरनेशनल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दे आर द चिल्ड्रंस फर्स्ट फ्रेंड्स, उनके फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं। उनसे सीखते हैं, उनसे खेलते हैं और उनसे बहुत कुछ वैल्यूज एंड मॉरल सीखते हैं। तो उनके लिए दिस इज़ ए स्पेशल डे बिकॉज वी आर गोइंग टू वेनरेट
हम उनका आदर करना चाहते हैं, इस करके वी हैव अ स्मॉल सेलिब्रेशन यहाँ पे एट स्कूल। और आज गणेश चतुर्थी भी है तो हम जय श्री गणेश भी कर रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट। शिक्षक दिवस के अवसर पर जालंधर के आदर्श नगर स्थित गीता मंदिर में योग शिक्षिका जगजीत कौर की अध्यक्षता में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जगजीत कौर द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन योग करवाया गया। इस मौके पर मंदिर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय विजय मारवाहा की धर्मपत्नी अविनाश मारवाहा ने योग अध्यापक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके इस प्रयास की सराहना की। इस मौके पर अंजना अरोड़ा, सरिता, शिल्पा, हार्दिका, मंजू, मुनीश, संजय सहित अन्य योग साधक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैडम है बड़े महान, देते योग का दान, सब करो इनका सम्मान, ये तो योग के ज्ञाता है, मैडम जी योग के ज्ञाता है। मैडम है बड़े महान, देते है योग का दान, सब करो इनका सम्मान, ये तो योग के ज्ञाता है, मैडम जी योग के ज्ञाता है। आपकी शिक्षाएं हमें आत्म संस्कृति, धैर्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। जब से मैंने आपके साथ योग अभ्यास शुरू किया है, मैंने महसूस किया है कि मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य आया है। आपके स्नेह और मार्गदर्शन से हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति को भी प्राप्त कर रहे हैं। आपकी शिक्षाएँ और समर्पण के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने ना केवल योग के आसनों की कला सिखाई बल्कि जीवन के महत्व को भी उजागर किया है। आपके मार्गदर्शन ने हमें हमारे भीतर छुपी शक्तियों को पहचानने में मदद की है और आत्मसमर्पण के महत्व को समझाया है। आपके शिक्षण की ये यात्रा केवल एक सीखने का सफर ही नहीं बल्कि एक आत्म की खोज का भी सफर है। हम आपकी इस प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। ज्ञान गुरु बिना दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रियां न सधे, गुरु बिन बड़े न शान। धन्यवाद। इन्हीं की कृपा से हम इस हॉल में इतने लंबे वर्षों से सजे हुए हैं और हर साल मैम जो हैं हमें सम्मानित देके हमें और ऊंचा उठा देते हैं, लेकिन हम इनके बच्चे हैं। ये मरवाहा मैडम खुद एक टीचर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं और बगैर नागा इस मंदिर में आते हैं, और जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उन्हें पढ़ाते भी हैं और मंदिर में ये उन्हें ट्यूशन देने का काम भी करते हैं। तो इनसे जो है हम बहुत प्रेरित हैं और कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर हॉल में आई नहीं है। वर्षों से ये हॉल जो है हमारे पास है तो हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
कि जिस प्रकार ये योग परिवार में आप हमेशा ही टीचर्स डे पर अपनी उपस्थिति बनाते आ रहे हैं, प्रभु कृपा करें आप हमेशा ही हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए हर टीचर्स डे पर हमारे योग परिवार में बना। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर की ओर से मासिक भजन संध्या का आयोजन मंदिर के पावन दरबार में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप पुजारी ने मां भगवती का गुणगान किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मां की ज्योति प्रज्वलित कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भजन संध्या में श्री देवी तालाब मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, विनोद गुप्ता, राकेश गुप्ता, नरेश सहगल, अशोक भंडारी, राकेश सहगल, अजय लादी, यश चड्ढा, लकी शर्मा, अर्जुन मल्होत्रा, सुदेश शर्मा, संदीप थापर, अंकित थापर, नीरज मित्तल, रॉकी बाहरी, शिवतंत्र शर्मा, अश्वनी हांडा, अमृत अरोड़ा, अश्वनी कपूर, विपन अग्रवाल, महेश सेठी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। महाराणी चरणा दे विच हाजर होए हैं, मां दी जोत उजागर हो चुकी है और सारे ने मां दे चरणा दे विच बैठ के अपनी अपनी हाजरी देनी है और महाराणी दरबार दे अंदर दैनिक सवेरा तो चेयरपर्सन मिसिज शीतल विज जी दरबार के महाराणी का आशीर्वाद लैन वास्ते आए ने, असी उन्हों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मां के इस पावन दरबार के हलचल चैनल दैनिक सवेरा जो है ये दरबार की सेवा साढ़े मैडम वाणी विज वालों हो रही है और असी उन्हों का बहुत बहुत थैंक करते हैं कि महाराणी चरणा च उन्हां ने हाजरी भरन वास्ते आए ने और महाराणी जिन्हें भी जी इत्थे आए ने चल के सारे दीआं आसां मुरादां पूरियां करना और भगवती महाराणी का आह्वान कर रहे हैं और उस तो बाद गणपति आराधना की जाएगी। आओ सारे जने बड़े प्यार नाल सरवण करिए। पंडित आदित्य जी प्रीत में गुरुं जी को वंदना दुखियात करे तृतीय तिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय जय मां जय जय आनंद करे कल्याणी मैनू दो चरणा दा ध्यान जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां गुरु को के गुर पावरे जे गुरु बेचे नरक को स्वर्ग की रखिए आस जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां पीपल भूजण में चली गुरी अपने के साथ
पीपल पूजे हर मिले एक पर दो काज जय जय मां जो आया तेरे पंथ में रिद्ध तेरे भरपूर जय जय मां 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 वाली मां तुयो देर वाली है तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है ओ तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है ओ तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है तुयो देर वाली है मां तुयो देर इसकी कंपोजिशन मैंने तैयार की मैंने गाई और ये भेंट सुनी नरेंद्र चलचल जी ने उन्होंने निर्दोष जी को कहा ये यार भेंट मुझे दे वो कहते प्रदीप से लेनी पड़ेगी तो मैंने उनको वो भेंट फैक्स की उन्होंने रिकॉर्ड कराई बोलो सच्चे दरबार की जय अभी आपने यही कहना है तुयो देर वाली है मां तुयो देर वाली है लाली बाजी मुंडे ताड़ियां मारन वाले बुलाया करो हां जी जेड़े बोलन भी ये सारे हां ओ तुइयो देण वाली है मां तुइयो देण वाली है तुइयो देण वाली है मां तुइयो देण तुइयो देण वाली है मां तुइयो देण वाली है तुइयो देण वाली है मां तुइयो देण वाली है गूंगे ने जुबान मां प्रिय देन वाली है गूंगे ने जुबान मां प्रिय देन वाली है पांचा नु संतान मां प्रिय देन वाली है पांचा नु संतान मां प्रिय देन वाली है मन चाहे बार मां प्रिय देन वाली है मन चाहे बार मां प्रिय देन वाली है और रेण लई घर मां प्रिय देन वाली है ये रेण लई घर मां प्रिय देन वाली है और तुयो देन वाली है मां तुयो देन वाली है तुयो देन वाली है मां तुयो देन
पहली बार देखिया माँ हुई पत्थर दिल पहली
अपने प्यारियां तो जो आएगा निर्दोष प्यार तेरा दोषी हो जाएगा, निर्दोष प्यार तेरा दोषी हो जाएगा, निर्दोष प्यार तेरा दोषी हो जाएगा। उच्चा तारिया तो रुतबा पालिया, माता दी ये नाच मिये उच्चा तारिया तो रुतबा पालिया, उच्चा तारिया तो रुतबा पालिया, माता दी ये नाच मिये। ये बात एक बार आप ही बोलिए, उच्चा तारिया Yeah.
ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਨਰ ਨੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਨਰ ਨੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਨਰ ਨੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਦਾ 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 ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਚਾਲਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ
भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर जालंधर की ओर से भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा एवं करवाए जा रहे हवन यज्ञ के संबंध में नगर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र प्रदान किए गए। इस संबंध में भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर के प्रधान विपन सभरवाल की ओर से मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज को निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर नवजीत भारद्वाज ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर में पहुंचकर मां बगलामुखी जी का हवन यज्ञ कर विश्व मंगल की प्रार्थना करेंगे। इस मौके पर जतिंदर निक्का सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। मां बगलामुखी ताम जेड़ा की हर साल भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी जेड़ा हवन यज्ञ करवांदी है शक्तिनगर, श्री विपन सभरवाल जी की पूरी टीम अज मां बगलामुखी ताम दे सारे सेवादारां नूं निमंत्रण पत्र देन आई है और मैं आश्वासन दिलवाना कि हर साल की तरह इस साल भी मां बगलामुखी ताम दे सारे सेवादार 6 अक्टूबर नूं मां बगलामुखी ताम दे सारे सेवादारां दे नाल मिल के शक्तिनगर जिहड़ा भगवान वाल्मीकि आश्रम है उहदे च पहुँच के मां बगलामुखी जी दे निमित्त हवन यज्ञ करनगे तां जो सारियां जिहड़ियां साडे भगवान वाल्मीकि जी दे जन्म उत्सव दे उत्ते शोभा यात्रा है और जिहड़ी यात्रा लैके जा रहे हैं 11 तरीक दिन शुक्रवार नूं उहदे च सारी साडी टीम शामिल होएगी और मैं ये सारे समाज नूं करबद्ध प्रार्थना करदा कि ये सांझे कारज दे विच असी सारे अपने सारे सिस्टम तो उपर उठ के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के भगवान वाल्मीकि जी दे जिहड़े दसे गए मार्ग है उत्ते चलते हुए साथ देइए और शोभा यात्रा नूं सफल बनाइए। जय मां बगलामुखी जी, जय वाल्मीकि जी। जालंधर के आजाद नगर स्थित गोगा जाहर पीर कमेटी द्वारा 8 सितंबर 2024 को गोगा जाहर जी का ऐतिहासिक मेला भव्य रूप से मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी मेले में पंजाब के मशहूर कव्वाल और सिंगर अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। मेले में भक्ति और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा जिसके लिए कमेटी ने विशेष तैयारियां की हैं। मेले की तैयारियों के उपलक्ष्य में हाल ही में लंगर का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर किशन लाल, हरमन हर्ष, अजय साबी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हर साल की तरह मार्च अपना भंडारा है दुर्गा यादव जी का, इच्छाधारी नाग जी का। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम सारे संगत के सहयोग न बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। जी मेहंदी की रस्म है कल शुक्रवार 6/9/2024 को मनाई जा रही है। सारी संगत को बेनती है कि कल शाम को 7 बजे दरबार हाजिर हो और परमात्मा दी खुशियां प्राप्त कर। मेन भंडारा और झंडे की रस्म 8 तरीक ऐतवार को सवेरे 10 बजे की जाएगी। उस वे सारी संगत को बेनती की जाती है कि सारे हुम हुम आके पुजन ते बाबा जी का आशीर्वाद लैन। उस तो बाद शाम को कवालियां होनगियां जी बाबा जी के दरबार से। सारे संगत को बेनती है सारे हुम हुम आके पुजन, सारे सहयोग देन। विकारा नाग देवता जी का प्यारी साध संग जी गुगा यार पीर जी ने मेले की बधाइया। मैं प्यार सारी संघ के अगे हाथ जोड़ के बेनती करना कि इस मेले के बिच आप जी दे बाबा जी के दर्शन करने पहुँचन तो पूरा मेले का आनंद माण। तो रात को जो प्रोग्राम है वो रात के 9 बजे तो लैके 4 बजे तक होगा। तो बाबा जी के दरबार से बहुत सारा ही भंडारा चलेगा तो भंडारे के पहुँचने की कृपा करना। जालंधर कैंट के दीपनगर में पड़ते शिव एनक्लेव लैम्बर कॉलोनी मरियन एवेन्यू में सीवरेज ब्लॉक की समस्या को लेकर लोग समाज सेवक और आप नेता मोटू सबरवाल के पास पहुंचे जिन्होंने इस समस्या को आप नेत्री राजविंदर कौर थियाड़ा के सहयोग से जल्द हल करवाया। इस अवसर पर
माला निवासियों ने मोटू सभरवाल का आभार प्रकट किया। सिविल क्लेज इकट्ठे हुए दीपनगर के साडा एक हफ्ते तो सीवरेज का ब्लॉक पिया वै तो असं अपने हलका इंचार्ज जी है ना मैडम राजविंदर छाड़ा जी उन्होंने बदौलत ही सानू गड्डी उन्होंने भेजी लैके नगर कौंसल के असं सीवरेज साफ करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इस करके मतलब सारे अगे यो बेनती है इतने लिफाफे या कोई पत्थर वगैरह या कोई चीज़ ना ब्लॉक करो घर की जी कोई भी टुट भाई चीज़ है उन्होंने अपने कूड़े वाले दो इधर उधर ना फेंको जिदा कि सानू ज़्यादा काम वर्क ना करना पे इस करके साडे जो मोहम्मद सभरवाल जो कि अपने इलाके दीपनगर के अपना कौंसल की जगह काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जो कि गड्डी उन्होंने मंगा के साडा काम करवाया। थैंक यू दर फोर मैडम थैड़ा मैडम जी का हल्का इंचार्ज का तय दिलों धन्यवाद करता जिन्होंने साडा शिविंग क्लेव के सीवरेज का हर एरिए जो ब्लॉक सगा तो अज पहले तार से गड्डी मंगवा के कारपोरेशन तो सीवरेज सारे खुलाता तो असी इस तो बाद तीन चार कॉलोनिया का सीवरेज जो बंद है शिविंग क्लेव अपना लंबड़ कलोनी के पीस एवन्यू के मयूर इनकलेव के दो तीन जगह होर सीवरेज है उसे गड्डी ले जाके वो सीवरेज है सारा अच्छे क्लीन करवा देना है। शिव शक्ति माँ बगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में माँ बगला मुखी जी के नियमित साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले सुबह बगला मुखी के हवन यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आए हुए यजमानों से विधिवत मंत्रो उच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कतियाल, हैप्पी बाबा, आचार्य विजय शास्त्री, विकी विज, बाबा अंगुराल शौर्य विज, कृष, अमित गुजराल, अजय नारंग, सिमरन भला सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। अंत में विशाल भंडारा आयोजित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जीरा बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला को एक निजी बस ने मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल। पेपो इंटरनेशनल प्री स्कूल जालंधर में जमकर मनाया गया दादा दादी दिवस। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और डायरेक्टर वाणी विज बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।